नहीं देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और इस विभाग के माननीय सेक्रेटरी के पाठक साहब रात दिन काम कर रहे हैं, और बिहार के तमाम जो शिक्षक हैं, जो गुरुजन हैं, जो दर्जा उनको मिला हुआ है, वो लगातार शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं। भाजपा के नेता को शर्म नहीं आती, बेशर्म हो गए। ये किन लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं? जिनके पास पैसे हैं, पूंजीवादी का बोलवाला स्थापित करना चाहते हैं भाजपा के लोग, जो वादा किया है। आज उन्होंने कहा कि 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देंगे। आज शिक्षा के क्षेत्र में लाखों के लोगों की नियुक्ति की बहाली प्रक्रिया चल रही है। तो सरकार तो इतनी गंभीर है और लगातार शिक्षा के गुणवत्ता में मूलभूल अमूलचूल परिवर्तन हो रही है। जो बयान दे रहे हैं इससे यही लगता है कि जब से देश में विपक्षी एकता, जब से देश में एनडीए का एकजुटता आया है, पूरी तरह से बौखला गए। शिक्षक नियुक्ति को लेकर बिहार की राजनीति गर्म है। ऐसे में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने यह साफ कहा है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो है वो गर्त में जा रहा है। ऐसे में नीतीश सरकार बिहार के शिक्षा व्यवस्था को देखा जाए तो कहीं ना कहीं बर्बाद कर रही है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो चरवाहा विद्यालय की तरह तमाम विद्यालयों को बना रही है। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रधान महासचिव रणविजय साहू है, जुड़ेंगे बात करेंगे। रणविजय जी, शिक्षक नियुक्ति को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था खराब हो रहा है, गर्त में जा रहा है, ऐसे में चरवाहा विद्यालय की तरह बिहार शिक्षा व्यवस्था को नीतीश सरकार, भाजपा के नेता को शर्म नहीं आती, बेशर्म हो गए। उनको याद करना चाहिए कि देश में जो शिक्षा नीति को लाने का काम किया इन्होंने 2020 का, ये क्या है? ये किन लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं? जिनके पास पैसे हैं, उन गरीब लोग। यह देश अम्बेडकर का है, बापू का है, जननायक का यह देश है, और इस देश में जिस प्रकार से पूंजीवादी का बोलवाला स्थापित करना चाहते हैं भाजपा के लोग, तो बिहार और देश देखने का काम कर रहा है माननीय नीतीश कुमार जी। बिहार के प्रति, शिक्षा के प्रति जितनी गंभीरता है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जनता से संकल्प लिया है, जो वादा किया है। आज उन्होंने कहा कि 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देंगे। आज शिक्षा के क्षेत्र में लाखों के लोगों की नियुक्ति की बहाली प्रक्रिया चल रही है। तो सरकार तो इतनी गंभीर है और लगातार शिक्षा के गुणवत्ता में मूलभूत अमूलचूल परिवर्तन हो रही है, आधारभूत संरचना में परिवर्तन किया जा रहा है, क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है, अच्छे टीचर की बात हो रही है, बीपीएससी के द्वारा बहाली हो रही है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता को न शर्म है, और पूरी तरह से जो बयान दे रहे हैं इससे यही लगता है कि जब से देश में विपक्षी एकता, जब से देश में एनडीए का एकजुटता आया है, पूरी तरह से बौखला गए हैं और घबरा गए हैं। सत्ता इनके हाथों से जाने वाली है। 6-8 को लेकर सीट मांगा जा रहा है, नेताओं के द्वारा मांगा जा रहा है, अभ्यर्थियों के द्वारा मांग हो रही है, 6-8 को लेकर सीट अभी तक नहीं देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी और इस विभाग के माननीय सेक्रेटरी के पाठक साहब रात दिन काम कर रहे हैं इस व्यवस्था को लागू करने के लिए, और बिहार के तमाम जो शिक्षक हैं, जो गुरुजन हैं, जो दर्जा उनको मिला हुआ है, वो लगातार शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेता के पास आप कहने के लिए कुछ तो है नहीं। अरे किन मुद्दों पर जनता के बीच जाएंगे? जनता के बीच से ये उखड़ चुके हैं, और जनता इनको इस बार विदाई देने का मन बना चुकी है। इसी बौखलाहट में विजय सिन्हा जी नेता प्रतिपक्ष बौखलाहट में बोलने का काम करते हैं। अंतिम सवाल रहेगा रणविजय जी आपसे, आपके प्रदेश अध्यक्ष रंगानंद सिंह ने कल बयान दिया था आरएसएस को लेकर, बीजेपी को लेकर, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं वो बौखलाए हुए हैं। ऐसे में उनका बयान देना वो बिल्कुल सही नहीं है, औसी मानसिकता के लोग बता रहे हैं। देखिए, यह देश गांधी के विचारों को मानने वाला है, यह देश गॉडशो के विचार को मानने वाला नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल जो एक कमजोरों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है, और यह हमेशा से यह पार्टी संघर्ष करने का काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के तमाम लोग कैसी व्यवस्था इस देश में लागू करना चाहते हैं? क्या मनुस्मृति से यह देश चलेगा कि अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा? तो निश्चित तौर पर यह देश अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा, और उसी रास्ते पर देश चल रहा। और सचमुच इस देश में और राज्य में, और अम्बेडकर के विचारों को किसी व्यक्ति ने
लागू करने का काम किया, तो उस व्यक्ति का नाम है श्री लालू प्रसाद यादव। और भाजपा तो इन्हीं बातों से घबराई हुई है, और भाजपा के पास अभी कभी जमीन नहीं दिख रही है, जमीन घिसक चुकी है, जनता से बिल्कुल बाहर हो चुकी है और मुद्दे की बात नहीं करती है। आज देश सबका है, भारत माता के चार बेटे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और बापू ने भी कहा था कि देश सबों का है, बांटना चाहते हैं, कौन लोग हैं ऐसे जो नफरत फैलाना चाहते हैं। आज पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं, बिहार के भाजपा के नेताओं से पूछना चाहते हैं कि आपने बिहार के लिए क्या किया, बिहार स्पेशल कैटेगरी को आपने मजाक में उड़ाने का काम किया, स्पेशल पैकेज नहीं देने का काम किया आपने, एम्स के नाम पर आप कहते हैं कि दरभंगा में एम्स खुल गया, तो बिहार की जनता बुद्धिजीवी है और बिहार की जनता हर बातों को समझती है, और आने वाला जो वक्त है समय पर जवाब मिलेगा और जवाब देने के लिए तैयार है, यानी भाजपा की विदाई तय है। देखिए, तो भाजपा की विदाई तय है आने वाले समय में, बिहार की जनता जानती है और कहीं ना कहीं जाग उठी, ऐसे में कहीं ना कहीं 24 में बीजेपी पूरे देश से साफ हो जाएगी, बिहार से साफ हो जाएगी। रणवीर साहू ने जमकर निशाना साधा बीजेपी पर, तो वहीं शिक्षक बहाली को लेकर तमाम बातें कह रहे थे, 6-8 को लेकर यह साफ रणवीर साहू ने कहा है कि नीतीश सरकार विचार कर रहा है, ऐसे में 6-8 को लेकर भी सीट दिया जाएगा, लगातार लाखों लाख बिहार में बहाली हो रही है, ऐसे में बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर भी कुछ उपाय निकालकर उनकी भी बहाली करवाई जाएगी। क्या कुछ कहते हैं राजद के प्रधान महासचिव रणवीर साहू, आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे, पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।